राम मंदिर, जिसका नाम आजकल हर किसी के जुबान पर है। बहुत सारे विवाद हुए, बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी हुई, लेकिन हर किसी के जुबान पर सिर्फ एक ही नाम था। और ऐसे ही भगवान राम के दर्शन के लिए अयोध्या का बुलावा आ गया। वहां जाके मैंने देखा कि चारों तरफ एक अलग सी ऊर्जा है। पर जैसे ही मैंने मंदिर में प्रवेश किया, मुझे कुछ फील हुआ, मानो एक अनजान सी शक्ति मेरे को अपनी तरफ खींच रही हो। मेरी जर्नी स्टार्ट होती है यहाँ से, और अभी फिलहाल मैं बनारस स्टेशन पर हूँ जी, बनारस। और विथ ऑलमोस्ट 0 रुपीज़ मैं टिकट्स कटाने नहीं वाला हूँ, बिल्कुल भी टिकट्स कटाने नहीं वाला हूँ। देखते हैं कि फ्री जा पाते हैं या नहीं। अब मैंने ये तो बोल दिया कि मैं अयोध्या फ्री में घूमूंगा, बट ये पॉसिबल होगा या नहीं, इसका मेरे को कोई आइडिया नहीं है। अयोध्या का यार बहुत ज़्यादा भीड़ है यार, बहुत क्राउड है, लोग यहाँ पे जाते हैं घूम रहे हैं, और इतनी ज़्यादा यार रश है। अभी तो कम है, लेकिन देखना धीरे धीरे, जैसे ही ट्रेन आएगी उसके बाद से भीड़ देखना, हालत ख़राब हो जाएगी। एक मिनट, मैंने तो अभी तक आपको भीड़ से मुलाकात ही नहीं करवाया। अभी अयोध्या जंक्शन पहुंच चुके हैं, अयोध्या धाम जंक्शन, और स्टेशन पे अभी आ चुके हैं। काफ़ी खूबसूरत स्टेशन बना रखा है इन लोगों ने, एकदम एयरपोर्ट जैसा दिखता है। अभी ले देखते हैं कि कोई रहने की व्यवस्था जो कि फ्री में हो वो ढूंढते हैं पहले। अब कोई पागल ही होगा जो रात के 11 बजे 5 से 6 डिग्री सेल्सियस में रहने के लिए जगह ढूंढेगा। लो भाई, फूड का भी जुगाड़ हो ही गया। अभी पुलिस मैम ने बताया कि आप अगर फ्री में खाना खाना चाहते हो, लंगर बहुत सारे चलते हैं यहाँ पे जो कि गवर्नमेंट की तरफ से है, ठीक है, तो अगर आप खाना चाहते हो 24 आवर्स चलते हैं, तो कोई टेंशन नहीं है, आप यहाँ पे आओ, फ्री में खाओ पियो, सो मस्त आराम से चिल करो, कोई इशू नहीं है। सो ये रहा फ्री शेल्टर, जहाँ पे आप फ्री में खाना खा सकते हो विदाउट पेइंग एनी काइंड ऑफ चार्जेस। कितना सही है ना। अगर भगवान में श्रद्धा और आस्था हो तो भगवान उसे कभी भूखे नहीं रखते, चाहे बात 2 रोटी की हो या रहने के लिए छत, भगवान कहीं ना कहीं से उसे दे ही देते हैं। जय श्री राम। अभी फिलहाल में जा रहे हैं हम बैग्स जमा करने और फोन जमा करने, तो इसके बाद हम शूट नहीं कर पाएंगे। ओके, सो कोई नहीं, जितना तक था उतना रिकॉर्ड कर पाए, उससे ज्यादा तो नहीं कर पाएंगे। अब फोन तो अलाउ नहीं था, बट एक बेनिफिट ये हुआ कि मैं अच्छे से दर्शन कर पाया। साढ़े 7-8 बज रहे हैं और बिल्कुल ठंडा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है।
पूरा एकदम सी ऐसा लग रहा है, पूरा कोहरा गिर रहा है, पूरा कोहरा गिर रहा है और शीतलहर पूरा भाई ठंडा है। और राम मंदिर के दर्शन हो गए यार, इतना खूबसूरत नज़ारा मैं रियली में बता नहीं सकता, इट्स सो ब्यूटीफुल प्लेस। लोग वाकई में इतनी दूर दूर से आ रहे हैं तो कुछ सोच के ही आ रहे हैं, है ना। तो राम मंदिर के दर्शन के बाद आप हनुमानगढ़ी आ सकते हैं, यहाँ पे भी आपको अच्छे नज़ारे देखने को मिलेंगे, आप हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं। कुछ ऐसी भीड़ लगी हुई है। वैसे राम मंदिर में तो फोन अलाउ नहीं है, लेकिन आप हनुमान मंदिर में फोन ले जा सकते हैं। ठंडा लग रहा था, एक चाय पीने के बाद दोबारा एक चाय पी लिया भाई। अनलिमिटेड चाय, आप कितना भी चाय पी सकते हो, बहुत सही है यार। और भाई टेस्ट वाकई में बहुत अच्छा है। जिस जगह को हम सिर्फ किताबों में पढ़ा करते थे, बचपन में रामायण में देखा करते थे, उस जगह पे वाकई आने के बाद जो फील होता है वो एक अलग ही फीलिंग होती है। तो मेरे पीछे जो घाट दिख रहा है उसका नाम है तुलसीदास घाट। नाना तुम्हें समय थोड़ा लगेगा, 5 मिनट लगेगा नहाने में, लोग नहा ही रहा है।